दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दी 100 ड्रेसेस का पार्ट टू। पार्ट वन हम लोगों ने ख़त्म कर चुका है, तो पार्ट वन के लास्ट में तुमने पढ़ा है कि क्लासरूम के पूरा दीवार में वांडा का बनाया हुआ पेंटिंग लगाया हुआ है और क्लासरूम के जितने भी लोग हैं सब कोई पूरा राउंड करके उसका पेंटिंग को देख रहे हैं। तो चलो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसा ही राउंड करके सब कोई देख रहे थे, क्लास टीचर भी सामने ही थी, तो उसी समय मॉनिटर आता है और क्लास टीचर को एक नोट देता है। उस नोट में क्या लिखा हुआ था उसे देख के तुम हैरान हो जाओगे। देखना नहीं यार, बस सुनना है। तो यार क्लास टीचर देखी उस नोट को और बहुत बार पढ़ी, एक बार दो बार तीन बार बहुत बार पढ़ी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद ताली बजाई। ताली कहाँ बजाई यार, पूरा हल्ला गुल्ला कर रहा था वहाँ आदमी लोग, घूमर घूमर के सबको देख रहा था ना चित्र सबको, इसलिए ताली बजाई तो सबको सुना और बोले कि चलो सबको अपना अपना सीट में आ जाओ। जब सब कोई बढ़िया से बैठ गए, पूरा शांत हो गया क्लास, तो उस समय वो बोलने लगी कि वांडा के फादर की तरफ से एक लेटर आया है। जब ये बोली तो पूरा क्लासरूम शांत हो गया और सुनने लगा कि वांडा के फादर ने क्या लेटर भेजा है। उसके बाद मिस मेसन अपना चश्मा को ठीक से बनाई और उसका बिहेवियर देख के ऐसा लग रहा था कि वो जो लेटर है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो सबको ध्यान से सुनने लगे। लेटर में वांडा के फादर ने लिखा था कि वांडा अब स्कूल नहीं आने वाली है। क्या सच यार, वांडा अब स्कूल नहीं आने वाली है, उसके साथ जैक भी स्कूल आने वाला नहीं है। उसके बाद उसने क्या लिखा था, उसने लिखा था वे लोग अब एक बड़ा शहर में शिफ्ट होने वाले हैं। उसके बाद वो बोलना चाहते थे कि अब कोई मजाक उजाक हम लोग का नहीं उड़ाएगा। होलर पोलक, पोलक मतलब पुलिस लैंग्वेज में अपना गुस्सा दिखाना होता है, तो वो जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि अब कुछ नहीं चलेगा, बहुत मजाक उड़ा लिया, इस टाइप से वो लोग अपना भाषा में पोलक बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद उसमें लिखा हुआ था कि वो जो बड़ा शहर में जा रहे हैं वो शहर में बहुत सारे फनी नेम्स हैं। वो बोलना चाहते थे कि वांडा का बहुत मजाक उड़ गया नाम को लेकर के। उसके बाद नीचे अपना साइन कर दिए थे जैन पेट्रोन्स्की, उनका नाम था जैन पेट्रोन्स्की वांडा के फादर, अगर क्वेश्चन में पूछे तो लिख देना। उसके बाद मिस मेसन पूरा उदास हो गई और उसका आवाज़ भी धीरे हो गया, मतलब हम अभी जोर से बोल रहे हैं उसके बाद धीरे बोल रहे हैं, ऐसा ही धीरे हो। वो बोली कि रूम नंबर 13 का कोई भी स्टूडेंट, मुझे पता है कि रूम नंबर 13 का कोई भी स्टूडेंट किसी भी दूसरे स्टूडेंट को दुख पहुँचाने के लिए जानबूझ करके उसका नाम का मजाक उड़ाया होगा। किसी का नाम लंबा है या फिर बोलने में थोड़ा ठीक नहीं सुनाता है, तो उस आदमी को दुख पहुंचाने के लिए उसका नाम का मजाक नहीं उड़ाया होगा। ऐसे हंसी मजाक में कुछ बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन किसी को दुख पहुंचाने के लिए स्पेशली ऐसा कोई नहीं किया होगा। मिस मेसन का आवाज़ लो था, इससे पता चलता है कि वो दुखी है, सैड है कि स्कूल के किसी भी स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट का उसका नाम लेकर के मजाक उड़ा दिया, उसके लिए वो स्टूडेंट स्कूल नहीं आ रहा है, स्कूल छोड़ दिया, दुख तो लगा होगा यार। उसके बाद वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि जैसा मुझे फील हो रहा है वैसा ही तुम लोगों को भी फील हो रहा होगा, मतलब बुरा लग रहा है, मुझे जैसा बुरा लग रहा है वैसा ही तुम लोगों को भी बुरा लग रहा होगा। ये सब चीज़ दुर्भाग्यवश हुआ, जो भी हुआ पूरा हुआ, मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में तुम सब एक बार सोचो, ऐसा कह के मिस मेसन बोली। अच्छा, उस टाइम स्कूल का फर्स्ट पीरियड था, तो ये सब समाचार सब सुनने के बाद मैडी को एकदम ठीक नहीं लग रहा था, एकदम बुरा लग रहा था, वो अपना पढ़ाई में कंसंट्रेट करने ही नहीं पा रही थी, पढ़ने के लिए बुक सब कोई सा देखती फट से वांडा का याद आ जाता, वह अपने लेसन में ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, उसको ठीक नहीं लग रहा था, तबीयत खराब टाइप से लग रहा था, उसका पेट का नीचे हल्का हल्का दर्द हो रहा था। पेगी जब वांडा से पूछती थी कि तुम्हारे पास कितना ड्रेस है, कितना ये है वो है, तो ये सब सुनने में उसको मज़ा नहीं आता था, ठीक नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वो चुप रही, वह पेगी को कुछ नहीं बोली। इस बात का उसको दुख रह गया कि यार मुझे पेगी को ऐसा करने से मना करना था, बुरा करना और बुरा करते हुए देखना, मतलब कोई बुरा कर रहा है तो उसको चुपचाप देखो, कुछ मत बोलो, बुरा करना तो पाप है ही, लेकिन बुरा करते हुए देखना, बुरा करते हुए देखते हुए भी चुप रहना, ये महापाप है। तो पेगी तो बुरा करती ही थी, लेकिन मेडी बुरा करते हुए देखती थी और कुछ नहीं बोलती थी, इसलिए पेगी तो बुरा है ही, लेकिन मेडी बुरा से भी बुरा है, पेगी इज बैड एंड मेडी इज वर्स, बैड का कंपेरेटिव डिग्री है वर्स। उसके बाद मेडी अपने आप को कोसती है कि मैं कितनी डरपोक हूँ, थोड़ा सा पेगी को मना नहीं कर सकती। उसके बाद वो सोचने लगी कि अब क्या कर सकती हूँ, अब पछतात हो तो क्या जब चिड़िया सूख गई खेत, लेकिन फिर भी कुछ तो कर सकती हूँ, वांडा के पास जा करके उसको ये बोल सकती हूँ कि
हम लोग ये जो कर रहे थे ये तुमको दुख पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे थे, बस हम लोग तो हंसी मजाक कर रहे थे। उसके बाद वो पेगी की तरफ देखी कि थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लिया जाए, लेकिन यार पेगी तो जोर शोर से पढ़ने में लगल थी, वो उसको कुछ नहीं बोली। वापस फिर अपने दिमाग में सोचने लगी कि वांडा के लिए तो कुछ करना ही होगा। क्या करना होगा? वांडा के पास जाके उसको सॉरी बोलना होगा। हो सकता है वांडा अभी तक नया शहर में शिफ्ट नहीं हुई होगी, हो सकता है अगर मैं पेगी को इस चीज़ को बताऊं तो पेगी भी मेरे साथ जाए और वांडा को सॉरी बोले। उसके बाद वो सोचने लगी कि वांडा के पास जा करके मैं क्या क्या चीज़ बोलूँगी। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि वो इस कॉन्टेस्ट को जीत चुकी है, कॉम्पिटिशन जीत चुकी है, वो बहुत स्मार्ट है और उसका जितना भी 100 ड्रेसेस है ना सब बहुत कमाल का है, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस है, ऐसा कह के बोलेंगे। कह के वो सोच रही है कैसे आदमी है यार बोलने टाइम तो बोली नहीं, अब सोच रही है। स्कूल आवर खत्म हुआ, छुट्टी हो गया। छुट्टी के बाद पेगी मेडी को बोली कि चलो देखते हैं वांडा गई कि नहीं गई। यार मेडी समझ गई कि जो मैं सोच रही हूँ वही पेगी भी सोच रही होगी। वो फटाफट स्कूल से निकले और उस गली की तरफ चल गए जिस गली से बोगिन्स हाइट जाया जाता था। यार बोगिन्स हाइट नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये ऊंचाई जगह में मौजूद होगा, मतलब ऊंचा जगह में होगा, हाइट मतलब कुछ ऊंचा जगह में तो होना ही चाहिए। तो जब वो लोग बोगिन्स हाइट जा रही थी तो उस समय था नवंबर और टाइम था आफ्टरनून, दोपहर के बाद। तो यार वहाँ जो हवा बह रहा था ना वो उल्टा बह रहा था। उस आसपास का जगह देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ रोज़ थोड़ा मोड़ा बूंदाबांदी होते ही रहता है, पूरा नमी था वो आसपास। उसके बाद वहाँ का माहौल ठीक नहीं था यार, होपलेस टाइप का माहौल था। तो यार यहाँ पर जो है ना फॉरबाइडिंग एयर, ड्रिजली, डैम्प, डिसमल, ये सब पॉइंट को याद रखना। जब तुम क्वेश्चन आंसर लिखना तो ये सब पॉइंट को लगाओगे ना तो मास्टर खुश होकर बढ़िया नंबर देगा। ये सब पॉइंट को कब लगाना है? बोगिन्स हाइट जाने का रास्ता कैसा था, बोगिन्स हाइट कैसा था, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये सबको लगा देना। तो रास्ता में जाते जाते पेगी मेडी को बोल रही है कि मैंने तो कभी वांडा को ये नहीं बोला कि तुम फॉरेनर हो, मैं कभी उसका नाम का मजाक नहीं उड़ाया, बस ये पूछती थी कि उसके पास कितना ड्रेस है, कितना ये है। वैसे मैं तो उसको बेवकूफ़ समझती थी मुझे लगता था कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो वो समझ नहीं पाएगी, लेकिन वो तो कितना चतुर निकली, वो तेज भी बहुत है, देखो तो कितना बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बनाई है, ऐसा कह के वो मेडी को बोल रही है। और यार मेडी तो एकदम सीरियस मूड में है, वो इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, रिप्लाई उप्लाई नहीं दे रही है, उसका दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है कि वांडा से भेंट करना है और उसको सॉरी बोलना है। अभी फिर सोच रही है कि क्या क्या बोलेंगे। सबसे पहले तो वो सॉरी बोलेगी, उसके बाद बोलेगी कि वो वंडरफुल है, उसके बाद उससे रिक्वेस्ट करेगी कि प्लीज यहीं रहो मत जाओ, ऐसा कह फिर उसके बाद बोलेगी कि अब सब कोई तुमसे अच्छा व्यवहार करेगा, उसके बाद बोलेगी कि जो तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगा उससे मैं और पेगी दोनों फाइट करेंगे, ऐसा कह के बोले। वाह भाई वाह, ऐसा अगर पहले ही कर रहती तो जाने का ज़रूरत क्यों पड़ता, ये लोग तो शुरू की थी उसको मजाक उड़ाना, कितना ड्रेस है वांडा। वो लोग एकदम तेज तेज चल रही थी, सोच रही थी कि शाम होने से पहले बोगिन्स हाइट तक पहुंच जाना है। अच्छा वे लोग सक्सेसफुली बोगिन्स हाइट तक पहुंच गए, वहां पर पहुंच गए जहां पर वांडा रहती थी। मैडी ने एक घर की तरफ इशारा किया कि लगता है कि वही वांडा का घर है। वो घर सफ़ेद कलर का था और घर जाने का जो रास्ता था ना उसमें छोटा छोटा घास लगे हुए थे, पुराना घास थे, एकदम ऐसा लग रहा था कि बिल्ला लगा हुआ है, मतलब बिल्ली का छोटा छोटा बच्चा बैठा हुआ है ऐसा लग रहा था। तो यार एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि वांडा का घर का डिस्क्रिप्शन बताओ, तो सबसे पहले लिखना वांडा का घर सफ़ेद रंग का था, रास्ता में छोटे छोटे पुराने घास थे, घर पुराना था लेकिन साफ था। तो यार इस घर को देख के ना मैडी को एक चीज़ का याद आ गया, वांडा का ड्रेस का याद आ गया। उसका ड्रेस भी ऐसा ही था, ब्लू कलर का फीका फीका जैसा दिख रहा था, वो पुराना था लेकिन साफ सुथरा था। एक चीज़ देख रहे हो ना, वांडा का घर या फिर उसका ड्रेस कुछ भी चीज़ हो वो लोग साफ सुथरा रहते हैं। तो मैं हाथ को साइड कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। जब वो घर के पास पहुँची और घर में नॉक किया, मतलब उसको खटखटाए कि कोई है, कोई रिप्लाई नहीं आया। अब घर के पीछे का दरवाजा में भी गए, ठकठकाए, हो सकता है अंदर कोई सूता हुआ हो, सोया हुआ हो, तो कोई रिप्लाई नहीं आया। उस लोग को पता चल गया था, वो लोग श्योर हो गए थे कि वे लोग अब टाउन में शिफ्ट हो चुके हैं, अब क्या किया जाए। उसका घर भी आए तो भी वो वांडा नहीं मिली, अब किसको सॉरी बोला जाए, अब वे लोग परेशान। मेडी ज़्यादा परेशान थी, पेगी तो एकदम खुश खास थी, वैसे भी ज़्यादा परेशान ये नहीं थी। पेगी बोलती है कि वैसे भी हम लोग तो उसका घर आए, अब वो है ही नहीं तो अब कर भी क्या सकते हैं, उसको अब कहाँ से सॉरी बोले, ऐसा कह के वो बोलने लगी। एकदम पेगी उल्टा पलटा बोलती है यार
उसके बाद बोलती है कि जब मैं वांडा को ड्रेस के बारे में पूछ रही थी कि तुम्हारा ड्रेस कैसा है, ग्रीन कलर का है, पर्पल कलर का है, तो उसको ड्रेस का नया नया डिजाइन का पता चल रहा था, इसी से वो नया नया ड्रेस का डिजाइन बनाई और इस कॉन्टेस्ट को जीती। अगर मैं उसको ड्रेस के बारे में नहीं पूछी होती तो वो तो इस कॉन्टेस्ट को जीत नहीं पाती, वो मेरे चलते ही इस कॉन्टेस्ट को जीती है। यार मेडी दिन भर ना वांडा के बारे में सोचते रहती थी कि उसको अब सॉरी नहीं बोल पाए, अब क्या करें, ये सब सोचते रहती थी। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि जब भी वांडा के बारे में इस तरीके का विचार उसके दिमाग में आएगा तो सिर्फ एक ही चीज़ सोचेगी, उसका घर तो गए थे सॉरी बोलने के लिए, अब वो है ही नहीं है तो क्या बोले, ये सब चीज़ सोचेंगी, तब उसका दिमाग से ये सब निकलेगा। लेकिन यार फिर भी रात को तो उसको ठीक से नींद तक नहीं आया, क्लासरूम में वांडा का 100 ड्रेसेस जो है, जो लाइन अप है, उसके बारे में सोच रही है। उसके बाद वो उठ के बिस्तर में बैठ गई, उसके बाद जोर से हाथ से अपने माथा को पकड़ ली और बहुत जोर से सोचने लगी, इतना जोर से ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोची थी। यार क्या चीज़ ये सोच रही है इतना जोर से हाथ में माथा को पकड़ के, वो सोच रही है कि इस कठिनाई से बाहर कैसे निकला जाए, दिन पर वांडा है का याद आता है तो इससे कैसे बाहर निकला जाए। तो बहुत सोचने के बाद एक सॉल्यूशन आया, वो सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, क्योंकि हमारा कैमरा को भी पाला मार दिया है।